वेलकम बैक यस्टडी विद कलीम। आपका यस्टडी विद कलीम में फिर से स्वागत है। आज है दोस्तों 29 सितंबर 2018 और आज हम लोग देखेंगे 27, 28, 29 के जो भी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे जो कि एग्ज़ाम में आएंगे। और दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जो नए व्यूअर हैं वो सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। 26 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने निम्न में से किसकी वैधता से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है? तो 26 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने निम्न में से किसकी वैधता से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है? तो वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड से संबंधित 26 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। यह आधार कार्ड कहाँ ज़रूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि CBSE, NEET एवं स्कूल एडमिशन में जरूरी आधार कार्ड जरूरी नहीं है। सभी सरकारी योजनाओं में लाभ लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी है। आधार कार्ड को पैन से जोड़ना अनिवार्य है। आधार अन्य सभी ID से विश्वसनीय है। प्रथम UID नंबर महाराष्ट्र के नंदबार निवासी रंजना सोनावने को 29 सितंबर 2010 को जारी किया गया था। और UID का फुल फॉर्म है, आधारी को बोलते हैं UID, तो इसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन। UIDAI फुल फॉर्म है द यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हाल ही में बार्कलेज हरून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2018 का सबसे अमीर भारतीय किसे बताया गया है? तो बार्कलेज हरून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2018 का सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है। बार्कलेज हरून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2018 का सबसे अमीर भारतीय मुकेश अंबानी को बताया गया है। मुकेश अंबानी पिछले सात साल से लगातार भारतीय अमीरों की सूची में शीर्ष पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2016 के मुकाबले भारत में अरबपतियों की संख्या 100% का इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार मुकेश अंबानी रोजाना 300 करोड़ की कमाई करते हैं। उनकी कमाई पर डे की कमाई है 300 करोड़ रुपए। हाल ही में दुनिया के मशहूर BTS बैंड ने यूनिसेफ में भाषण देकर इतिहास रच दिया है। ये बैंड संबंधित है, तो यह कोरिया से संबंधित है। इसके बारे में जान लेते हैं। कोरिया के मशहूर BTS बैंड ने यूनिसेफ में भाषण देकर इतिहास रच दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी बैंड ग्रुप ने संयुक्त राष्ट्र की किसी संस्था में भाषण दिया हो। BTS बैंड 7 कोरियन लड़कों का बैंड है जिसे 2013 में बनाया गया। और यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जन धन दर्शन ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जन धन वाला ये एप्लीकेशन वित्त मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। वित्त मंत्रालय फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने संयुक्त रूप से जन धन दर्शन ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए बैंक के ग्राहक पूरे देश में कहीं भी बैंक ब्रांच पोस्ट ऑफिस ATM एवं IFSC कोड पता कर सकते हैं। और वित्त मंत्री अरुण जेटली हैं। सितंबर को स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया 2018 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो 26 सितंबर को स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया 2018 का आयोजन जयपुर में
शुरू हुआ है। 3 दिवसीय इस एक्सपो का उद्घाटन उपराष्ट्रपति एम के वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। इस एक्सपो का उद्देश्य स्मार्ट सिटी बनाने हेतु बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा करना है। यह एम के वेंकैया नायडू। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने T-72 टैंक के लिए कितने इंजन की खरीदारी की मंजूरी प्रदान की है? तो 1000 टैंकों को खरीदने की, इंजन की खरीदारी को मंजूरी प्रदान की है। इसकी अनुमानित लागत है 2300 करोड़ रुपए। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्राम का सफल परीक्षण किया है? तो वह है जर्मनी, जिन्होंने सेल्फ ड्राइविंग ट्राम का सफल परीक्षण किया है। ये है लोगो, देख लीजिए। जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्राम का सफल परीक्षण किया है। इस 6 किलोमीटर ट्रैक पर चलाया गया है, इसे 6 किलोमीटर ट्रैक पर चलाया गया है जो कैमरा, सेंसर, रडार आदि से लैस था। इसमें एक बार में 250 यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। ब्रुकिंग ग्लोबल मेट्रो मॉनिटर 2018 द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला शहर कौन सा है? तो ब्रुकलिन ग्लोबल मेट्रो मॉनिटर 2018 द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला शहर डबलिन है। इसके बारे में और जान लेते हैं। ब्रुकिंग ग्लोबल मेट्रो मॉनिटर 2018 के अनुसार सबसे अधिक जीडीपी आयरलैंड के शहर डबलिन है। डबलिन आयरलैंड का एक शहर है। इस सूची में दूसरे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः, दूसरे स्थान पर सेंट जॉर्ज एवं तीसरे स्थान पर चीन का झेगड़ू है। इस लिस्ट में दिल्ली को 6ठे नंबर पर रखा गया है, हैदराबाद को 14वां एवं सूरत को 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। निम्न में से किसे 5 दिन में 3 बार एवरेस्ट फतह करने के लिए नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया है? तो 3 बार एवरेस्ट फतह करने के लिए अंशु जानसेपा को नेशनल एडवेंचर अवार्ड दिया गया है। इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। यह है अंशु जानसेपा को 5 दिन में 2 बार एवरेस्ट फतह करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 25 सितंबर 2018 को टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2017 दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश की अंशु जानसेपा ने 5 दिन में 2 बार एवरेस्ट फतह करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वह कारनामा करने वाली दुनिया की पहली महिला है। महिला स्वयं सहायता समूह SHGS के सशक्तिकरण पर सम्मेलन का आयोजन कौन करेगा? तो वह नीति आयोग करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की नई रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 96वां स्थान मिला है, जो कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की नई रिपोर्ट है। भारत में उज्बेकिस्तान संस्कृति वार्ता 2018 का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में हुआ है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद। तो ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली हमारा करेक्ट है, जो कि भारत और उज्बेकिस्तान संस्कृति वार्ता 2018 हुआ है। ये रहा। किसने हाल ही में वर्ष 2019 से 2028 तक को नेल्सन मंडेला का शांति दशक घोषित कर दिया है? तो वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2019 से 2028 को नेल्सन मंडेला का शांति दशक घोषित किया है। ये रहे हमारे नेल्सन मंडेला। हाल ही में किसने संवैधानिक महत्व के केस की लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति प्रदान की है, यानी कि अब लाइव ही केस लड़ा जा सकता है, जो कि महत्व केस, कोई भी केस नहीं। तो वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाइव स्ट्रीमिंग की अनुमति प्रदान कर दी गई है। पैन कार्ड और आयकर रिटर्न फाइल दाखिल करने के लिए आधार कार्ड किसने आवश्यक कर दिया है? तो पैन कार्ड और आयकर रिटर्न फाइल दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आवश्यक कर दिया है।
सर्वश्रेष्ठ संस्थानों की वैश्विक सूची में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? तो सर्वश्रेष्ठ संस्थानों की वैश्विक सूची में विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय एक नंबर पे है और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय दूसरे नंबर पे है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय तीसरे नंबर पे है और हमारे ये बेंगलुरु का IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु भी उसमें शामिल है, जो कि ये 291 नंबर पे है। यदि कि टॉप 250 में भी भारत का कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी नहीं है। हाल ही में जारी रैंकिंग में स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च करने वाले देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूज है, इस क्वेश्चन को मैं बाद में बताता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने IPC की कौन सी धारा को समाप्त करके प्रावधान किया है कि व्यभिचार पर अपराध नहीं होगा? तो वो है धारा 497, जिस पे व्यभिचार पर अपराध नहीं माना जाएगा। हाल ही में विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व समुद्री दिवस 27 सितंबर को मनाया गया। IMF के इतिहास में किस देश को अब तक का सबसे बड़ा ऋण यानी कि 57 अरब डॉलर प्राप्त हुआ है? तो IMF के इतिहास में अर्जेंटीना जो है अब तक का सबसे बड़ा ऋण 57 अरब डॉलर प्राप्त हुआ है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सार्वभौमिक पेंशन योजना शुरू की है? तो सार्वभौमिक पेंशन योजना असम राज्य ने शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ नामक पुरस्कार के लिए चुना है? तो वह है नरेंद्र मोदी, इमैनुअल मैक्रोन, जिन ये उपयुक्त दोनों को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने चैंपियन ऑफ द अर्थ नामक पुरस्कार के लिए चुना है। इसके बारे में और देख लेते हैं कि यह चैंपियंस ऑफ द अर्थ नामक पुरस्कार 5 श्रेणी में दिया जाता है। पहला है लाइफ टाइम अचीवमेंट, दूसरा है नीतिगत नेतृत्व, तीसरा है कार्यवाही व प्रेरणा, चौथा है उद्यमिता विजन, पांचवा है विज्ञान एवं नवाचार। हाल ही में यूनेप ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को उद्यमिता विजन श्रेणी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है UN चैंपियंस ऑफ अर्थ प्राइज 2018। केंद्र सरकार ने दूर संचार आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो दूर संचार का नाम बदलकर डिजिटल संचार आयोग रख दिया है। स्टीफन लॉफवेन किस देश के प्रधानमंत्री है जिनको अविश्वास प्रस्ताव की वजह से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा? तो वह स्वीडन के राष्ट्रपति है जिनको अविश्वास प्रस्ताव की वजह से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। हाल ही में सरकार ने GSTN को 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के पास अब तक GSTN की कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो सरकार के पास 49% GSTN की हिस्सेदारी है और इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, इसमें ऐड है। हाल ही बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल अस्त्र का पश्चिम बंगाल के कलाई कुंडा एयरपोर्ट से सफल परीक्षण किया गया है, इसका निर्माण किसने किया है? तो इसमें एक क्वेश्चन कई ठो बनेगा। एक तो पूछा जा सकता है कि कौन सा मिसाइल का प्रयोग किया गया है, सफल परीक्षण किया गया है, तो उसका नाम है अस्त्र और कहाँ हुआ है? तो वह वेस्ट बंगाल के कलाई कुंडा एयरपोर्ट से हुआ है और किसके द्वारा किया गया है? तो वह DRDO के द्वारा किया गया है। यह हमें तीन बातों को ध्यान में रखना है, मिसाइल का नाम है अस्त्र और यह बंगाल के कलाईकुंडा एयरपोर्ट से सफल परीक्षण किया गया है और यह DRDO के द्वारा किया गया है।
हाल ही में संपन्न G4 सदस्य देशों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो वह सुषमा स्वराज जी के द्वारा किया गया है। हाल ही में किस दिन को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया गया? तो हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया गया। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट में बताएं, और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, धन्यवाद।